चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों और लुक को लेकर काफी छुपे रुस्तम है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी फिल्म और लुक के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते हैं। अगर ऐसा में उनकी फिल्म का कोई लुक वायरल हो जाए तो कैसा होता है? कुछ दिन पहले ही ऐसा ही हुआ। जी हाँ, आमिर खान इन दिनों मुंबई में अपनी फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस सेट से उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो फटे हाल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भिखारी के अवतार में नजर आने वाले हैं। उन्हें फोटो में पहचानना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और फटे हाल कपड़े में आमिर खान को कोई भी नहीं पहचान सकता है। इसे लेकर आमिर खान काफी चिंतित है। आमिर खान कभी भी नहीं चाहते कि उनकी फिल्म रिलीज से पहले कोई भी लुक उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है और दर्शकों को बेहद ही ज्यादा आमिर खान का ये लुक पसंद आ रहा है। आमिर खान चाहे कुछ भी हो, लेकिन दर्शकों को अपने इस लुक से बेहद ही आकर्षित दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो फिल्म में वो एक ठग की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आमिर खान की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई, जिसमें वो नाक चिढ़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आमिर खान के साथ कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी नजर आने वाले हैं। साथ में पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन विजय कृष्णा आचार्य कर रहे हैं। यह फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया जाएगा।